वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ शेजीन को लेकर उसकी म्यूज़िक क्लास में। ताबिर साहब अभी ऑफिस से आए हैं और ये एक हमने ज़िम्मेदारी पकड़ ली है जो रोज़ की शेजीन को ले जाने वाली। और अब मैं आपको बताऊँगी कि ये हमारी जो कहाँ पर है एग्जैक्टली ये शॉप, और वो जो टीचर हैं आपको वो कहाँ पर मिलेंगे। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, अभी हाँ, सबसे पहले मैं आपको इस ट्यूनर का इस्तेमाल बताऊंगा आपको कि इससे गिटार ट्यून कैसे करते हैं। यू फॉर यूकेलिनी, सी फॉर क्रोमेटिक, जी फॉर गिटार, बी फॉर बेस गिटार, डी फॉर वायलिन। हमने इसको रखना जी पे, जी फॉर गिटार। और ये 440 है, ये ना 441 भी नहीं होना चाहिए, 439 भी नहीं होना चाहिए, 440। ठीक है, स्ट्रिंग जब भी आप। अच्छा जी, अब सबसे पहले फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये ई है, ये बी है, जी डी ए ई सिक्स, ई फर्स्ट एंड ई सिक्स। लेकिन हम ट्यूनिंग करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट से यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, सिक्स स्ट्रिंग्स करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर शो करेगी सिक्स स्ट्रिंग, ये शो करें ई सिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्यून है। नेक्स्ट स्ट्रिंग ए, फिफ्थ लिखा हुआ है ए फिफ्थ, लेकिन ये थोड़ी सी लूज है तो हम इसको यहाँ से बजाते रहेंगे, ऐसे ऐसे टच करते रहेंगे और यहाँ से थोड़ा टाइट करते जाएंगे। ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ट्यून हो गया। नेक्स्ट डी, ये भी थोड़ी लूज है, ठीक है, इसको भी अच्छा, यहाँ से रेड होगी तो लूज है इसका, हाँ ग्रीन होगी तो परफेक्ट। अब थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो गई, लूज करेंगे, डन। जी, अब ये ये नोजल इस तरफ आया हुआ ना, हमने इस तरफ लेके जाना है तो हम इसको टाइट करेंगे। ठीक है, अब हम बी स्ट्रिंग करेंगे। फाइनली हम इसको चेक कर लेंगे, फाइनल थोड़ा सा ठीक है। डन, ठीक है, अभी गिटार ट्यून हो गई। हाँ, जब गिटार आप अनट्यून बजाएंगे और जब आप इसको प्ले करेंगे तो बेसुरा बोलेगा, गलत बोलेगा, लेकिन जब तक आप इसको ट्यून नहीं करेंगे तब तक आप इसके जब कॉर्ड्स बजाएंगे सही नहीं आएगा। ट्यून करने के बाद आपको हर चीज परफेक्ट आएगी, ठीक है, हर चीज आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ये है ट्यूनिंग का तरीका। अब हम फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे कि फर्स्ट लेसन क्या है इसका। सबसे पहले मैं आपको, जब आप इसको मैं अभी से मुश्किल कॉर्ड बताना शुरू कर दूंगा तो वो आपको प्रॉब्लम देगी, लिहाजा सबसे पहले हम आपकी ये जो थ्री फिंगर्स है ना, ये टू फिंगर्स वर्क नहीं करती, बहुत कम वर्क करती हैं, ये तो करती हैं वर्क, ये नहीं करती हैं। तो लिहाजा हम इन दो फिंगर्स को और इस तीनों फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखेंगे, जैसे कि सिक्स स्ट्रिंग छोड़ देनी आपने और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फिंगर आपने रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग के, ये फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकेंड फ्रेट है, अपना थर्ड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट में, ठीक है, और फोर्थ फिंगर जो है आपकी फोर्थ फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट में ही आ गया, और ये जो सेकंड फिंगर है ये आपकी आएगी फर्स्ट फ्रेट के एक दो तीन तीसरी तार पे, ये, और ये फिंगर आपकी रिलीज होगी, और ये थंब है आपका ये ऊपर आएगा यू एस, इससे आपने ये देखें ये दबाना है, प्रेस करना है, प्रेस करेंगे तो ये बजेंगे, अगर नहीं प्रेस करेंगे तो ये टोन आएगा, सिर्फ आप सिर्फ टच करके रखेंगे तो ये टोन आएगा, प्रेस करेंगे तो ये टोन आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये तीन फिंगर्स कंट्रोल करने सिखाऊंगा, ठीक है, चलिए।
ऊपर पर उठा, यहाँ ये पैर नीचे करो, ऐसा ठीक है। अब आपने गिटार को पकड़ना कैसे है, ये बात आपका ऐसे, और ये जो कट शेव है ना, कट ये आपकी यहाँ थाइस पे, थाइस पे ठीक है, बस ठीक है डन। अब कभी भी गिटार को पकड़े पकड़े ये चीज़, हाथ जो है ना आपका ऐसे नहीं आना चाहिए, ये आपको गिटार पकड़नी चाहिए ऐसे, ये ऐसे। जब आप ऐसे पकड़ेंगे ना ऐसे, ये इस पोजीशन में, अब आपने फिंगर्स रखनी, इसको आपने टच नहीं करना, यूँ ये यूँ रहेगा। अब इसी पोजीशन को रखते हुए, इसी यहीं पे रखते हुए, ये दोनों फिंगर्स आपकी आ गई यहाँ, ये इनको मिला कर रखना, ठीक हो गया, ये नीचे गैप आ रहा है, आना चाहिए, और ये आ गई अपनी यहाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसकी स्ट्रमिंग कैसे होगी, स्ट्रमिंग मैं आपको बताता हूँ, पिक देता हूँ आपको मैं, तुमने याद रखा कैसे, इसको थोड़ा सा ठीक है। आज ये जो हाथ है आपका, इन तीन उंगलियों से पकड़ो ऐसे ऐसे, यस। अब ये जो है डाउन अप, डाउन अप, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो ये फिंगर को रखना और ये मुझे रचन बजाओ जी। हाँ साहब, ओ ओ ओ की जी, ओके आजा बजाओ। अच्छा रुकना नहीं है, बजाते रहना, बजाते रहना। आपको बजाना कहते हैं, अब आपको मैं इसकी स्पीड बताती हूँ क्या है। आपने कोशिश करना कि ज्यादा से तेज ये पकड़ लिया आपने, ये देखना क्या सर को देखो बैठे हुए कैसे ये, ठीक है, ये टांग जितनी ऊपर होगी उतना अच्छा है, ठीक है। और इसको बजाना कैसे, अच्छा ये देखिए ये मूव क्लाई मूव कर रही है, ये क्लाई बाजू नहीं मूव कर रहा पूरा, ये नहीं है कोनी मूव नहीं कर रही, ये पकड़े, ये मना किया था ना आपको ऐसे, ये थम यहां आना चाहिए, इससे आपको उससे गिटार पकड़ना है, गुड। नीचे ये और इसको अच्छा, इसको इसका आपका वजन आना चाहिए, ये वजन, ये वजन आएगा तो ऑटोमेटिकली गिटार यहाँ यूं हो जाएगा, इसको नीचे नहीं लेके आना, इसको आपने ऐसे ही रखना, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। कोशिश करनी आपकी ये तो फिंगर नहीं, आपकी दोनों मिली रहे ऐसे, ठीक है, और ये फ्रंट से आगे नहीं जाने चाहिए, यहाँ रहने चाहिए, फिंगर देखें आपकी गलत हो रही है ना, इसको ऐसे, ये चीज थाम, गुड, वेरी गुड, रुकना नहीं है। अच्छा अब हम इस पे लगाएंगे एक टाइमर, आपको एक टाइमर लगा के दूंगा 30 सेकंड का, आपने 30 सेकंड उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप जरा पॉज कर लें प्लीज, और आपने 30 सेकंड तक सुनो, 30 सेकंड तक मूव ये चलाते रहना है, रुकना नहीं जब तक 30 सेकंड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। 30 सेकंड का मैंने आपको टाइमर लगा के दिया, स्टार्ट, गुड गुड गुड, शाबाश, हो गया 30 सेकंड का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये देखो ये निशान पड़े, ये पड़ेंगे तो आपकी परफेक्शन होगी, मतलब साउंड अच्छा आएगा, ये देखें, ये जब ऐसे हो जाएंगे ना सब, तो जाएगी फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, एहसास भी नहीं होगा, हर चीज मेहनत मांगती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, अब हम दोबारा
अगेन 30 सेकेंड। शुरू में नहीं होगा ना, फर्स्ट टाइम है ना, आज थोड़ी हो जाएगा। करना है मैं दोबारा से कर रहा हूँ, पकड़े और इसको आपने रिलीज नहीं करना। 30 लगाऊं, कैमरा ऑन करूं, स्टार्ट। फास्ट 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 प्लीज, ये एंजॉय करो, 30 सेकंड को नहीं देखती रहो। एंजॉय योर सेल्फ। गुड, वेरी गुड, अभी हाँ वेरी गुड, आपने 31 सेकंड बल्कि 32 सेकंड आने की। इसी तरह आपने 30 सेकंड का 6 टाइम करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 सेकंड। कितने मिनट हो जाएंगे? 1 मिनट और 20 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, 6 दफा, तो 1 मिनट में 30 3 मिनट ना, 3 मिनट तक। हाँ, 3 मिनट तक आपने डेली ये करना, ओनली 3 मिनट्स। पूरे 24 घंटों में से 3 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा, लेकिन इसी तरह 30 सेकंड तक करना। तो ये जितना ये फास्ट होगा तो फिर जितना अच्छा, ये जितना करती रही ना, अभी तो ये अटक रहा है ना जैसे ही कर रही है, अभी तो इसका वेरी फर्स्ट है ना, मतलब वेरी फर्स्ट डे है, इन्होंने कभी नहीं किया, ये स्टमिंग नहीं किया, तो ये कर रही है, इनका हाथ अटक रहा है। हाँ। ऐसे होगा, जब ये रूटीन में आ जाएगा फिर ये रिदम ऐसे बजेगा इनका, बगैर किसी रुकावट के। और वो प्रेशर भी इतना नहीं ना, तुम देखो कितना हल्का हाथ इनका चल रहा है, ये देख रहे आप, ये ठीक है। अनबैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं आ रहा, बजाते रहोगे प्रैक्टिस करते रहोगे बैलेंस आ जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी बस। तो ये था जी अबीहा का आज फर्स्ट लेसन, जो कि हमने इसको आसान कॉर्ड, सबसे आसान कॉर्ड जिसका नाम है ई कॉर्ड, ठीक है। तो ई कॉर्ड मैंने इसलिए दिया कि क्योंकि ये पूरे हाथ में ये उंगलियाँ तो चलती हैं, ये तीन उंगलियाँ तो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, लेकिन उल्टे हाथ की ये दो उंगलियाँ मूव बहुत मुश्किल से करती हैं बनी, तो इसलिए मैंने उनको ई कॉर्ड भी इस पोजीशन में नहीं दिया, इसको रिलीज़ नहीं किया, मैंने इसको मतलब इन्वॉल्व किया कॉर्ड पकड़ने में, इसको रिलीज़ किया है। तो मैंने इस पोजीशन में इनको ई कॉर्ड बताया, इस पोजीशन में नहीं बताया, इस पोजीशन में भी होता है लेकिन मैंने इस पोजीशन में बताया, ताकि वो आगे जी कॉर्ड, एफ कॉर्ड, ए कॉर्ड, सारे बार कॉर्ड्स से इनको ये आसानी से पढ़ सकें। तो ये था जी अभी आपका फर्स्ट लेसन, अगर आपको अच्छा लगे और तो आए सर की क्लास लें और जरूर लें, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी करें, शेयर करें, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हाँ, और ये बिल्कुल मिलेनियम के सामने है, ये मिलेनियम है आरजे मॉल के बिल्कुल सामने है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ पर है, तो ये आरजे मॉल के सामने और सर के पास, मिलेनियम मॉल से पहले आता है आरजे मॉल। हाँ, मोबाइल मार्केट और मिलेनियम मॉल के बीच में है आरजे शॉपिंग मॉल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इट्स वेरी इजी और हर तरह का इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, आप जो बजाना सीखना चाहे तो अब सर कुछ सुना भी दें, सुना दूं। अब सर ई कॉर्ड पे ही कुछ सुनाएंगे। हाँ, क्योंकि ई कॉर्ड मैंने इनको बताया है, तो आज इनको ई कॉर्ड पे कितने का बहुत बेशुमार गाने हैं, जिनमें से जब ही जमीन पे तू
समझ में आया कोई ई पे ई कॉर्ड मैंने आपको बताया ना तो आपको ई कॉर्ड पे कोई गाना सहन में आ रहा है अभी तो नहीं आ रहा ओह शजीन मैंने जैसे ही ऑन किया ये लूज है क्या कौन सी बता और मुझे ऐसा लग रहा है पूरे नीचे तक कॉर्ड पे जा भी नहीं रहा तुम्हारे मतलब जैसे तीन कॉर्ड पे कर रही हो इसको प्रेस करो कि तो आवाज आएगी अब बजा ये देखे ना वो पूरा नीचे तक नहीं जा रही नहीं जैसे पूरी कॉर्ड्स पे नहीं लग रहा नीचे वाली दो रह रही थर्ड और फोर ऊपर करो ऊपर हाँ हाँ जैसे अभी आप फिंगर्स भूल गई थी ना कहाँ रखनी कहाँ कहाँ रखनी अब वही लेसन में आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ आज डेट क्या आज फाइव है शायद फाइव है सिक्स है फाइव फाइव है फाइव है सर लेसन लिख के दे रहे हैं इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे ठीक है अच्छा ये स्ट्रिंग है फर्स्ट इसका नाम है ई ये स्ट्रिंग है सेकंड इसका नाम है डी ये स्ट्रिंग है थर्ड इसका नाम है जी यारी फोर्थ इसका नाम है डी यारी फिफ्थ नाम है ए सिक्स
से कहेंगे फ्रेट फ्रेट ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट फ्रेट एंड सेकंड फ्रेट। फिंगर्स कहाँ आएगी? एक तो ये आएगी, इसे कहते हैं प्रेस नोट, प्रेस करना है। ये स्ट्रिंग ओपन आएगी ऐसे खाली होगा, ये दोनों और ये ओपन होगी। यहाँ आएगी आपकी सेकंड फिंगर, यहाँ आएगी आपकी थर्ड फिंगर, यहाँ आएगी आपकी फोर्थ फिंगर, ठीक है। अब इसे याद रहेगा कि आपको फिंगर प्रेस कहाँ करनी है। आपने अभी ये दो की थी ना प्रेस, क्योंकि फिर मैंने बताया कि आप ऊपर हाथ है, इससे याद रहेगा कि कौन सी फिंगर कौन सी स्ट्रिंग कौन सी फिंगर, ठीक है। इसे हम कहेंगे ई कॉर्ड, ई कॉर्ड। कौन सा लेसन था आपका? ई कॉर्ड। और कितनी फिंगर्स यूज की? तीन। कौन कौन सी? जोर से बोलें, सेकंड थर्ड फोर्थ। कल आप ये लेसन गजा की भी प्रैक्टिस करेंगी, कल आप मुझे सुनाएंगी और फिर आपको इसके बाद जो देगा ई कॉर्ड, अगर ई कॉर्ड सही हुई तो एक और इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।